आते जी मूव गाड़ी, मूव कस्टम 14 यहाँ की गाड़ी है और 16 में इंपोर्ट हुई है। दिखाते हैं जी होंडा टर्बो N1 13 की गाड़ी और 16 में इंपोर्ट है। आपको दिखाते हैं जी कल्टस 2011 मॉडल। आने वाले जी टोयोटा करोला 86 मॉडल, देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद मलिक, आप देख रहे हैं लंबे राइडर्स। आपको लेके आए हम समनाबाद संडे कार बाजार में। आपको दिखाते हैं जी जूस में गाड़ियां पब्लिक कौन सी सेल करने आप लोगों के लिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं या अपने शोरूम की वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें यार, जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हो सके तो हमारी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। करते हैं जी अपनी वीडियो का आगाज। आपको दिखाते हैं जी होंडा टर्बो N1 13 की गाड़ी और 16 में इंपोर्ट है। आप इसका इंजन रूम देखें, फ्रंट से बोनट अंदर से देखें। भाई थोड़ा सा बाइक को साइड पे कीजिएगा। टायर और रिम देखें, आपको दिखाते हैं जी राइट साइड से। इस तरफ से आप गाड़ी की कलर देख लें और पीछे ज़रा ट्रैफिक है, हम आपको कंडीशन इसकी साइडों से दिखाते हैं और बैक पे लेके चलते हैं। जब ट्रैफिक हो तो फिर ज़रा नॉर्मल ही होता है काम, ज़रा फास्ते से दिखाना। छत देखें इसकी। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हो सके तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। टायर और रिम देखें, आपको दिखाते हैं जी लेफ्ट साइड से फास्ते से कंडीशन। लेफ्ट साइड से आप देखें गाड़ी की कंडीशन, डोर कंडीशन नज़दीक से। डोर खोलते हैं जी लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले डोर की आप अंदर से कंडीशन देखें। सीढ़ देखें इस तरफ से, इस तरफ से भी आप सीढ़ देखें। इंटीरियर आप गाड़ी के अंदर से देखें, बेहतरीन डैशबोर्ड, फ्रंट सीट्स, कंफर्टेबल सीट्स हैं। बैक की तरफ से डोर की आप अंदर से कंडीशन देखें, लेफ्ट साइड वाले सीढ़ देखें इस तरफ से आप इसकी। इंटीरियर आप इसका भी अंदर से देखें। बैक की जो तफसीलात हैं उनके ऑनर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले बताइएगा कि गाड़ी का कोई मेन एक्सीडेंट? कोई मेन एक्सीडेंट नहीं है। टचिंग शावर कहीं से? साइडों से टचिंग है जी भाई। सारी बंद है गाड़ी की जी, ठीक है। और गाड़ी की आठ एयर बैग है। ये N1 टर्बो है, प्रीमियम है, पेडल शिफ्टर है, ट्रिप्टोनिक गियर वाली। बायोमेट्रिक मेरा भाई? मेरे अपने नाम पर है गाड़ी, मौके के ऊपर बायोमेट्रिक। चली कितना अब तक मेरा? 1,07,000। फ्यूल एवरेज क्या गाड़ी? 18 से 19 एसी के साथ शहर में। लॉन्ग पे ये 22+ है। कोई मैकेनिकली काम का इशू? कोई काम नहीं है। आपकी डिमांड क्या है मेरा भाई? मेरी डिमांड तो है 24 लाख। अपना कॉन्टैक्ट नंबर? 03-26-26-53। आपको दिखाते हैं जी कल्टस 2011 मॉडल। इसका इंजन रूम देखें आप, फ्रंट पट्टी बोनट अंदर से देखें और राइट साइड से आप जगह देख सकते हैं। टायर और इन तरफ से देखें, जगह बहुत ज़्यादा कम है। डोर की कंडीशन हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, साथ में ये बतें भी देखते जाएं। और इस तरफ से ये पीछे की तरफ जाते हैं, शायद भी ख़राब हो गई। बैक की तरफ से आप देखें गाड़ी की कंडीशन। आप छत देखें, लेफ्ट साइड पर भी काफ़ी ट्रैफिक है। हम आपको बस इतना सा ही दिखा सकते हैं, नज़दीक से ही आपको डोर की कंडीशन दिखाते हैं। डोर हल्का सा खोल के आपको डोर के अंदर की कंडीशन दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड से डोर के अंदर की कंडीशन देखें, सील देखें इस तरफ से भी आप सील देखें। इंटीरियर गाड़ी का देखें अंदर से, डैशबोर्ड, फ्रंट सीट। डोर हम बंद करते हैं, लेफ्ट डोर खोल के अंदर से दिखाते हैं। आप सील देखें इनके, इस तरफ से सील देखें। इंटीरियर आप देखें गाड़ी के अंदर से, बैक सीट्स देखें। इनकी डिटेल हम इनके ऑनर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अच्छा मेरे भाई बताइएगा कि गाड़ी कोई मेन एक्सीडेंट में कुछ टचिंग शावर है जी बेहतर हो गया। अब भाई ये बताइएगा बायोमेट्रिक की गाड़ी बायोमेट्रिक मिल जाएगी चली कितना अब तक कोई आइडिया नहीं है इसकी फ्यूल एवरेज ये आइडिया है ये है फ्यूल एवरेज है तकरीबन लोकल में आई है 14-15 है और लॉन्ग में ये 20 से प्लस है। अब आइडिया में ये बताएं भाई कि मैकेनिकली काम कितना निकलता है 100% बैठ जाएगा। आपकी डिमांड क्या है भाई मेरा डिमांड 12 लाख रुपये। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें 03227978420। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपको दिखाते हैं जी मूव गाड़ी मूव कस्टम 14 यहाँ की गाड़ी है और 16 में इंपोर्ट हुई है 16 में नंबर लगा। आप इसका इंजन रूम देखें फ्रंट पट्टी बोनट अंदर से देखें आपको दिखाते हैं जी टायर ट्रैफिक है हम आपको इतने से फास्ते से दिखा सकते हैं फास्ते से इस तरफ से नहीं दिखा सकते आपको डोर की कंडीशन नज़दीक से दिखाते हैं बैक की तरफ से आप देखें इस तरफ से आप देखें गाड़ी की कंडीशन छत देखें गाड़ी की टायर और रिम इस तरफ से कुछ फासला है हम आपको दिखाते हैं जी ब्लैक कलर माई फेवरेट जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूँ लेफ्ट साइड से आप डोर की कंडीशन देखें डोर खोल के लेफ्ट साइड वाला आपको दिखाते हैं जी लेफ्ट डोर की अंदर से कंडीशन सील देखें गाड़ी इस तरफ से आप सील देखें इंटीरियर गाड़ी का देखें डैशबोर्ड फ्रंट सीट्स देखें फ्रंट सीट्स के बाद दिखाते हैं आपको बैक सीट्स बैक डोर देखें आप सील देखें इस तरफ से आप सील देखें इंटीरियर गाड़ी का अंदर से देखें बैक सीट्स इनकी डिटेल हम इनके ऑनर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा भाई बताइएगा कि सबसे पहले बताएं कि गाड़ी का मेन एक्सीडेंट को टचिंग शावर ये गाड़ी के पिछले चारों पीस हैं जी भाई एक दरवाज़ा है जी भाई फेंडर है हाँ जी है और लेफ्ट राइट साइड वाला फेंडर है बस जी बेहतर हो गया भाई बायोमेट्रिक है जी भाई बायोमेट्रिक अवेलेबल है मौका पर ठीक हो गया और मैकेनिकली काम कितना निकलता रहता है ये बताएं 0 मीटर टायर मैंने डलवाया मैं इसके ओरिजिनल एयरबैग है गाड़ी के ठीक है कोई मैकेनिकली काम नहीं है एसी शेसी हर चीज़ गाड़ी की फिट है बेहतर हो गया बायोमेट्रिक मौके के ऊपर ये मैंने पूछ लिया पहले भी आप ये बताएं ये चली कितना और इसकी फ्यूल एवरेज क्या है इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो मैक्सिमम ये करती है 16-17 शहर में ठीक है लॉन्ग पे ये 21-22 करती है। आपकी डिमांड भाई क्या है मेरी डिमांड इसकी तो 21.5 लाख है जी भाई 21-21 में मैं गाड़ी दूंगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर 03-26-26-53। बहुत शुक्रिया। आपको दिखाने वाले जी टोयोटा करोला 86 मॉडल देखें जी पापा मॉडल है ये इसका इंजन रूम देखें फ्रंट पट्टी बॉनेट अंदर से आप देखें अभी भी इस कंडीशन में टायर और रिम आपको राइट साइड से ज़रा मैं गेट के पास खड़ा हूँ किसी के ये आप देख सकते हैं जी राइट साइड से आप गाड़ी की पुरानी गाड़ी की लेंथ भी देखें और इसकी अभी तक कंडीशन भी देखें डोर की कंडीशन देखें पीछे से दिखाते हैं जी आपको जी आप देख लें इसकी बैक इस तरफ से आपको फास्ट से दिखाते हैं जी आपको गाड़ी की छत देखें टायर और रिम लेफ्ट साइड से देखें आपको लेफ्ट साइड से ही स्पेस है काफ़ी ज़्यादा पहले उस तरफ मैं दरवाजे के पास था आप इस तरफ से गाड़ी की कंडीशन देखें अब नज़दीक से आपको दिखाते हैं जी डोर की कंडीशन नज़दीक से देखें लेफ्ट साइड वाले डोर खोल के आपको लेफ्ट साइड वाले डोर के अंदर से कंडीशन दिखाते हैं जी सील देखें इस तरह से आप सील देखें इंटीरियर गाड़ी का देखें जी अंदर से इस तरफ से देखें डैशबोर्ड फ्रंट सीट्स खुली डुली गाड़ी है जी बैक डोर खोल के आपको डोर के अंदर से कंडीशन दिखा रहे हैं इस तरफ से आप सील देखें इस तरफ से भी देखें जी इंटीरियर गाड़ी का देखें इस तरफ से बैक सीट इनकी डिटेल जो मजीद इनका भाई वालेकुम सलाम। अच्छा भाई सबसे पहले बताइएगा पुराना मॉडल है गाड़ी मेन एक्सीडेंट में है नहीं नहीं भाई ना मेन है ना बैग ना राइट ना लेफ्ट कहीं से पेड़ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा
ये टच कितनी बार हुई है और शावर कितनी बार हुई है? भाई सिर्फ दो पीस टच है, बाकी बम्पर टू बम्पर गाड़ी चेंज है। शावर बताए, शावर नहीं हुई गाड़ी, पक्की बात है। ओरिजिनल पेंट में अभी तक ओरिजिनल पेंट बेहतर हो गया भाई। ये बताइएगा बायोमेट्रिक है? बायोमेट्रिक है, गाड़ी मेरे नाम पे। इसका मैकेनिकली काम कितना निकलता रहता है? कोई भी नहीं भाई, मेंटेन रखा हुआ बस, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी मैकेनिकल काम नहीं है, टोटल 0-0 है। बेहतरीन हो गया भाई। आपकी डिमांड क्या है? सर भाई इसकी डिमांड 8 लाख रुपया, एसी वगैरह बिल्कुल कूलिंग चिल है। ये चली कितना है अंदाजन? भाई ये जेन्युइन इंजन में चली थी 1 लाख किलोमीटर, तो मैंने इसका इंजन चेंज करवाया है, इंडस करोला का जेन्युइन डलवाया हुआ है, उसके हिसाब से तकरीबन चली 10 लाख किलोमीटर सिर्फ इस इंजन। यार पहले 1 लाख फिर तो कोई इतना नहीं जितना ये पुराना मॉडल उस लिहाज से। चलें ये बताएं हमें इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? फ्यूल एवरेज भाई लॉन्ग पे देती है 16 किलोमीटर और सिटी में देती है 11-12 किलोमीटर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें? 03224373953। बहुत शुक्रिया।